हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए चना और परोर की सब्ज़ी लेकर आई हूँ। तो मैंने चने को भिगो कर रख दिया था और मैंने परोर को भी अच्छी तरह से कट करके रख लिया है। तो मेरे सारा मटेरियल रेडी है और अब मेरे दूसरी तरफ तेल भी गर्म हो रहा था, तो मैंने पचफोरन डाल दिया स्वाद के लिए। और इसमें मैंने हरी मिर्च और सूखी मिर्च दोनों डाली हूँ थोड़ा तीखापन के लिए। इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। इसे गोल्डन फ्राई होने तक हम इसमें इसे पकाएंगे। और अब मैं इसमें ऐड की हूँ परोर और चना, दोनों मैंने एक साथ डाल दिया है और हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं एक तरफ से पकड़ी हुई कैमरे को और मैं एक तरफ से कर रही हूँ, तो दिक्कत हो रहा थोड़ा सा। बट कोई गाइस, कोई बात नहीं। ये देखिए, मेरा मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ली हूँ और ये अभी कुक हो रहा है। तो ये देखिए, मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है, ये ऑलमोस्ट पानी अब खुद ही सोख लेता है। और ये देखिए, इसमें मैंने ऐड किया है नमक, तो नमक को मैंने मिक्स कर दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ और इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे अभी। ये देखिए, मैं इसे अच्छी तरह से चला लेती हूँ और अब मैं इसमें ऐड करूँगी गाइस मसाले। तो मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया है और कोई मसाला ऐड नहीं किया, जो घर में था वही डाली हूँ। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, मैं मिक्स कर रही हूँ और इसे हम ज़्यादा ये ग्रेवी नहीं करेंगे, नॉर्मली बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने मिक्स कर लिया है और ये कुक हो रहा है। ये देखिए, दिखा देती हूँ अच्छी तरह से। और अब हम फाइनली लास्ट में ऐड करेंगे पानी ग्रेवी के लिए। तो मैंने 1 गिलास पानी लिया है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ग्रेवी ड्राई भी बना सकते हैं। तो मैं सूखा ही बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड की हूँ ताकि ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छी तरह से मसाले के साथ ये मिक्स हो जाए। और मैं इसे अच्छी तरह से चला लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से चला लिया है और हम इसे 5 मिनट पकने देंगे। एक उबाल आएगा तो फिर गैस बंद कर देंगे, ज़्यादा हमें टाइम नहीं लेना है क्योंकि वो ऑलरेडी पक गया है। तो ये देखिए, ये उबाल आ चुका है और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए गाइस, मेरा परोर, पहले नमक डाल दिया था तो ये मेरा परोर ऑलमोस्ट उसी वक्त गल गया था। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए गाइस, मेरा सब्ज़ी बन करके हो चुका है तैयार। बट फिर भी हम इसे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और रखेंगे। तो ये देखिए, मेरा बन करके हो गया तैयार और मैंने गैस को कर दिया है ऑफ़। तो अब हम इसे, मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। ये देखिए गाइस, और मैं अब इसे हम सर्व करेंगे। तो मैंने कर लिया है सर्व, अब इसे रोटी चावल के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं। गाइज, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।